गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन सो मेनी थिंग्स इन रिलेशन टू कैपेसिटर। तो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपेसिटर वी विल बी सॉल्विंग सम मोर प्रॉब्लम्स, मोर सिचुएशंस। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। नाउ सिचुएशन वन इज, दिस इज द सिचुएशन, अ कैपेसिटर विद प्लेट्स हैविंग सेपरेशन डी, प्लेट एरिया ए, एंड बैटरी विच इज अप्लाइड is having potential difference V. Mean potential difference V is applied across the plates of the capacitor. ठीक है, capacitor is charged. After that, second situation में हमने क्या किया? Battery is there, battery को लगे लगे ही, ठीक है, battery is connected in the circuit. हमने क्या किया? Separation between the plates बढ़ा के double कर दिया. Okay? Battery is connected and the separation is made doubled. Fine. Now, the question is how? Number one, capacity of the capacitor will change. Number two, potential difference across the plates will change. How charge on each plate will change? Electric field between the plates, how it will change? And the fifth is how the energy of the capacitor will change. Now let's study all these variables one by one. These are two situations. Battery remain connected. Okay. In the very first part, we will be thinking of capacity. Now, capacity ka kya hoga? Empty space between the plate, plate separation D, area of the plate A. So, in the first case, capacity is epsilon naught A by D. Potential difference capacity ko affect nahi karega. Fine. And jab plate separation ko double kar diya, to capacity ho jayega epsilon naught A over 2D, that is 1 by 2 epsilon naught A by D. Okay, epsilon naught A by D is capacity in the first situation. So, kya hoga? Capacity in the second situation is half of capacity in the first situation. Capacity is getting half. Plate separation double kar diya na, is karan se epsilon naught A by D, D double ho gaya. तो कैपेसिटी क्या हो गया? हाफ हो गया. होप दिस इज क्लियर. नाउ सेकंड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, बैटरी रिमेन कनेक्टेड, तो इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस जो भी बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस देगी, यहां पे भी वही बैटरी है, तो यहां पे भी तो वही बैटरी, सेम कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड विद नेगेटिव. पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा दोनों सिचुएशंस में, क्योंकि बैटरी को हटाया नहीं गया. बैटरी इज देयर इन द सर्किट. तो पोटेंशियल डिफरेंस इन बोथ द केसेस, V1 इज इक्वल टू V एंड V2 आल्सो इज इक्वल टू V. होप दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज how charge on each plate will be affected. Now we have capacity and we have potential difference applied. Now charge on each plate of capacitor. Number three, Q. Q is equal to Q, first case, C. C1 into V1. V1 is V. Okay? V1 is V. So first case mein C1 V. Second case mein Q2 is equal to C2V. अब C2 का वैल्यू डालो यहां पे. C2 जो है वो पहले वाले का हाफ है, ठीक. तो ये बन गया 1/2 C1 इंटू वी. तो कितना बना बेटा? Q2 इज इक्वल टू हाफ C1V. तो C1V इज Q1. तो दिस इंप्लाइज Q2 इज इक्वल टू हाफ Q1. क्या हुआ? चार्ज तो सेकंड सिचुएशन में कम हो गए. व्हाई? कैसे कम हो गए?
बिकॉज कैपेसिटी जो था वो हाफ हो गया और बैटरी कनेक्टेड है। ठीक, सिस्टम में अगर बैटरी कनेक्टेड है और इसका कैपेसिटी कम हो गया तो ये वापस बैटरी को चार्ज सप्लाई कर देगा कि नहीं, बैटरी को वापस दे देगा चार्ज। इस तरह से चार्जेस हाफ हो गए। फाइन, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर्स प्लेट इज E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा 1 इज इक्वल टू Q1 बाय A, तो Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट A। इज इट ओके? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकेंड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकेंड केस इज सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 2 किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज इन द सेकेंड केस। चार्ज इन द सेकेंड केस इज Q2 बाय A, सिग्मा हो गया तो Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट A। अब Q2 का वैल्यू डाल दो, Q2 इज इक्वल टू हाफ Q1, हाफ Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट A। अब Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट A, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द फर्स्ट सिचुएशन है। ओके, तो E2 is equal to half in comparison to E1, क्योंकि जो प्लेट्स हैं प्लेट्स के ऊपर चार्ज कम हो गया है क्योंकि कैपेसिटी कम हो गई थी, इस कारण से जो फील्ड है वो वीक हो जाएगा और फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ, आधी हो जाएगी। फाइन, नाउ एनर्जी, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इन द सिचुएशन, हाउ द एनर्जी विल चेंज, एनर्जी इन द फर्स्ट केस कितना होगा। अब देखो यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है, दोनों केसेस में, दोनों सिचुएशंस में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, दोनों वी हैं। ओके, तो जब दोनों वी हैं, कोई ऐसा फॉर्मूला आप चेक करो, ओके, जहां पे वी हो, तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूं वी वाला, ठीक है ना, एनर्जी के लिए हाफ सी, कैपेसिटी कितना, फर्स्ट केस वाला कैपेसिटी वी स्क्वेयर, पोटेंशियल डिफरेंस इज वी। ओके, नाउ सेकंड केस में हाफ सी टू, पोटेंशियल डिफरेंस इज वी, वी स्क्वेयर। अब सी टू का वैल्यू डाल दें, यू टू इज इक्वल टू हाफ सी टू, सी टू इज हाफ दैट ऑफ सी वन, तो ये वैल्यू प्लेस कर दो, ठीक, सी टू इज हाफ दैट ऑफ C1 वी स्क्वेयर। ओके, तो वी आर गेटिंग U2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाफ C1 वी स्क्वेयर, हाफ C1 वी स्क्वेयर इज U1, तो आपका जो U2 बना एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एनर्जी इन द फर्स्ट सिचुएशन, मतलब एनर्जी भी इसका कम हो गया है। ठीक है, होप ये कंपैरिजन आपको पता चला। नाउ सेम थिंग इज टू बी डन सेपरेशन इज डबल्ड आफ्टर डिसकनेक्टिंग द बैटरी, दैट इज सिचुएशन 2। नाउ यू हैव टू सॉल्व दैट, बट वी हैव डन बेसिकली बैटरी विद सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी एंड प्लेट एरिया ए, इट इज चार्ज्ड विद पोटेंशियल डिफरेंस वी, बैटरी रिमूव्ड, After removing the battery, the separation between the plates is made doubled. Okay, how these five variables will change? This is your next problem. How to solve this problem? What is there? This is step one. Capacitor, battery is there, charging the capacitor. Now battery removed, separation made doubled. This is the situation. Okay, how those six variables will change? Okay. That is number one, capacity, C1 इस situation के लिए कितना बनेगा, empty space between the plates, area of the plate and separation is D, epsilon naught A by D, ये आपका C1 है। Now C2, second situation में epsilon naught A over
सेपरेशन इज 2D। यहां कैपेसिटी के लिए बैटरी लगा हो या बैटरी डिसकनेक्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इट विल बी डिपेंडिंग ऑन ए एंड डी एंड द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो आपका फर्स्ट सिचुएशन आपके पास है, ठीक है ना। फर्स्ट सिचुएशन में आप लोगों ने कैपेसिटी की बात कर ली एंड दिस इज सेम थिंग हाफ इन कंपैरिजन टू C1। होप दिस इज क्लियर। नाउ सेकंड थिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, अब ध्यान देना, यहां पे V है लेकिन यहां पे कुछ नहीं है, सेपरेशन बढ़ा दिया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने से पहले यहां पे आपको चार्ज की बात करनी पड़ेगी। अब ध्यान देना, कैपेसिटर चार्ज हो गया, कैपेसिटर चार्ज होने के बाद बैटरी हटा दिया, ओके। तो प्लेट्स के ऊपर कुछ चार्ज है, अब बैटरी को रिमूव किया गया और सेपरेशन बढ़ा दी गई, ठीक। नो डाउट इसका कैपेसिटी हाफ हो गया, ठीक। तो इसका चार्ज कम होना चाहिए, लेकिन वो चार्ज जाएगा कहां, यहां हवा में थोड़ा लीकेज होगा उसका, ओके। चार्ज इज नॉट हैविंग एनी यू नो वे टू मूव आउट। तो जितना चार्ज फर्स्ट सिचुएशन में था, सेकंड सिचुएशन में उतना ही चार्ज रहेगा, क्योंकि चार्ज को रास्ता ही नहीं है बाहर जाने के लिए, ठीक। तो यहां पे जो था चार्ज ऑन प्लेट, प्लेट्स पहले केस में कितना था, पहले केस में जो था चार्ज Q1 इज इक्वल टू C1 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज V। इतना चार्ज एक्वायर कर लिया कैपेसिटर ने, अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इतना चार्ज जो होगा वो कैपेसिटर के पास रहेगा, गॉट इट। अब आपने सेपरेशन बढ़ा दी, जब सेपरेशन बढ़ा दी तो चार्जेस में कोई नंबर ऑफ चार्जेस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चार्जेस के पास रास्ता ही नहीं है बाहर जाने के लिए। तो चार्ज विल रिमेन दिस मच ओनली, Q2 इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू C1V, ओके। होप दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। जब हम बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस, क्योंकि चार्ज के पास बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इस कारण से चार्ज रिमेन सेम, ओके। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, अब चार्ज की बात करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस वी, फाइन, जो यहां पे ठीक है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, थिंक ऑफ। यहां पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो बेटा, नाउ इन द फर्स्ट सिचुएशन पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V1 कितना है, V1 इज इक्वल टू V का वैल्यू कितना होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट सिचुएशन, ओके, मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ई इज इक्वल टू -dV/dr होता है ना, वहां से रिलेशन हमने डेवलप किया था। नाउ जो ये E1 है, इसका वैल्यू कितना होता है, सिग्मा वन लिया मैंने फर्स्ट केस, मल्टीप्लाइड बाय डी। तो हमारा जो वी पोटेंशियल डिफरेंस इन द फर्स्ट सिचुएशन है, ओके, दैट इज इक्वल टू, यहां पे σ1 का वैल्यू डालो, चार सेम है, चार्ज Q1 बाय ए, तो Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट ए इनटू डी, ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया पहले सिचुएशन वाला, ओके। नाउ सेकंड सिचुएशन का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से ही बात करेंगे, फाइन। नाउ V2 इज इक्वल टू E2, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेकंड केस में हुआ, इनटू डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड केस में कैसे, क्या चेंज होगा या नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज सेम है दोनों सिचुएशंस में, ओके। E2 इज इक्वल टू σ2 बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये इनटू डी आ गया।
सिग्मा टू का वैल्यू डाल देते हैं, तो वी टू इज इक्वल टू चार्ज प्रीवियस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में क्यू वन ही है, क्यू वन बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। अब डी कितना है यहां पे? डी इस सिचुएशन में हमने डबल कर दिया है, ये डी जो है ये डबल कर दिया हमने, तो यहां पे टू डी बनेगा, ई टू इंटू टू डी, तो यहां पे भी टू डी आ गया, तो टू यहां पे लिख देते हैं ऐसे, चलो फाइन। एंड वी टू इज इक्वल टू बन गया अपना टू क्यू वन बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। नाउ क्यू वन एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, क्यू वन एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, दिस इज वी वन, वी इन द फर्स्ट केस है ना, तो वी टू इज इक्वल टू, वी टू इज इक्वल टू टू टाइम्स वी वन, ये हमारा जो वी है दिस इज वी वन। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि सेपरेशन बढ़ गया है, ओके तो उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाएगा। ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज हैपनिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है और E1 सिग्मा वन ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वन इज चार्ज कितना था क्यू वन बाय ए, तो एप्सिलॉन नॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। नाउ सेकंड सिचुएशन में E2 क्योंकि चार्ज सेम है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही रहेगा, सिग्मा टू ओवर एप्सिलॉन नॉट, अब सिग्मा टू इज चार्ज बाय एरिया, चार्ज कितना है, चार्ज पहले सिचुएशन में जितना था दैट इज क्यू वन बाय ए एप्सिलॉन नॉट ए, तो क्यू वन बाय एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू वन बाय एप्सिलॉन नॉट ए, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड टू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वन, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं, क्यों चेंज नहीं, क्योंकि चार्जेस में कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद आपका रह गया एनर्जी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, नाउ एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, एनर्जी का क्या होगा कैपेसिटर में। अब दोनों में सेम क्या है, बताया था आपको पहले प्रॉब्लम में कि वो वेरिएबल सेलेक्ट कर लेना जो दोनों में सेम है, दोनों में सेम है चार्ज, ठीक है, तो सो फिर एनर्जी बना देते हैं। एनर्जी इज यू वन क्यू वन स्क्वायर बाय टू सी सी वन। ओके नाउ एनर्जी इन द सेकेंड केस यू टू इज इक्वल टू चार्ज सेम क्यू वन ही है, नो चेंज इन चार्जेस हैज टेकन प्लेस, क्यू वन का स्क्वायर बाय टू सी टू, सी टू कितना है, सी टू इज हाफ इन कंपैरिजन टू सी वन, दिस इज इक्वल टू क्यू वन स्क्वायर बाय टू। ओके देन सी वन बाय टू, ये यहां पे टू आ गया, ठीक, ये टू और टू कैंसल हो जाएंगे, तो यू टू जो तुम्हारा बनेगा अब क्यू वन स्क्वेयर बाय टू सी वन, क्यू वन स्क्वेयर बाय टू सी वन, ये वाला पार्ट जो है तुम्हारा ये यू वन है, तो ये टू आगे ले आओ, टू टाइम्स कितना, टू टाइम्स यू वन, एनर्जी डबल, होप दिस इज क्लियर।